आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलो डेस्कटॉप। और टैबलो डेस्कटॉप पे हम बात करेंगे सबसे पहले मेजर्स एंड डायमेंशन पे। तो शुरुआती जैसे हमने आपकी क्लासेस ली थी, हमने बताया था किसी भी डेटा को आप कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डेटा को रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद वो उसको सेपरेट करता है डायमेंशंस और मेजर्स में। डायमेंशन, मेजर्स और लॉन्गिट्यूड मेजर के तीन चीजों पे कन्वर्ट करता है मेनली। जैसे मैं एक आपके सामने डेटा रखता हूँ, मैं डेटा कनेक्ट किया और जी इस डेटा जी को यहाँ रख दिया। तो यहाँ पे आपके पास देखिए जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा जैसे वर्कशीट में आप जाएंगे तो वर्कशीट में जाने के लिए बात देखिए, आपके पास यहाँ पे डायमेंशंस आ गए, ये आपके यहाँ पे मेजर्स आ गए, ठीक है। तो इसमें कुछ जो है ऑटोमेटेड जनरेटेड है, सिस्टम जनरेटेड है। जैसे कि आपका पास डेट है, नेम है, प्रोडक्ट है, सेल्स बोर्ड है, और आपके अब यहाँ पे देखिए मेरा स्टेट और सिटी अलग अलग थे, बट यहाँ पे ग्रुप होके स्टेट और सिटी एक ही हो गया, समझ गए। और यहाँ पे देखिए कि मेजर्स नेम है, उसी तरह से आपकी यहाँ पे अमाउंट वगैरह आपकी फील्ड है, लेकिन लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये आपका सिस्टम जनरेटेड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड सिस्टम में है, मेजर्स वैल्यू आपकी सिस्टम जनरेटेड है। तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा फील्ड मेरे सिस्टम मेरे डेटा का है और कौन से फील्ड मेरे डेटा का नहीं है, सिस्टम जनरेटेड है, क्या सर? हेलो, यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था, जैसे हमने कोई डेटाबेस को कनेक्ट किया, जैसे मैं आपको सामने डेटा को कनेक्ट किया, तो डेटा में आप फील्ड देखिए, लेकिन जब आप रिपोर्ट पे जाते हैं तो कुछ फील्ड्स आपके बढ़ जाते हैं और या फिर कुछ फील्ड मर्ज हो जाते हैं। जी यहाँ पे देखिए स्टेट और सिटी यहाँ पे मर्ज हो गया, बल्कि डेटा में हमारा स्टेट अलग था और सिटी अलग था, ठीक है। ठीक है और यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास अमाउंट और बाकी चीज़ यहाँ पे दिख रही, कुछ नए भी है। जैसे यहाँ देखिए मेजर्स नेम हो गया, लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो गया, मेजर्स वैल्यू हो गया, ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं, ये सिस्टम जी रिलेटेड है। तो ये मैं बताने का पर्पस ये है कि आपका कौन सा डेटा फील्ड है और कौन सा आपका सिस्टम जनरेटेड फील्ड है वो आप सिंपल देख सकते हैं कि वो इटैलिक जो होगा, देखिए यहाँ पे मेजर्स नेम इटैलिक है, जो इटैलिक्स होगा वही आपका सिस्टम जनरेटेड होगा, समझ गए। अब जी ऐसे मैं यहाँ पे देख रही, मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 301 आ रहा है। जी तो आप डेटा में अब आएंगे तो डेटा में पता लगाना मुश्किल है टोटल रिकॉर्ड कितना है, क्योंकि तो यहाँ कोई रो नंबर नहीं हो, यहाँ पे 301 सीरियल नंबर तो जी थ्री हाँ जी वन दिख रहा है ना सर, लेकिन अगर सीरियल जी 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 नंबर नहीं होता तो मुश्किल था ना, सही बात है आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा देखने को, समझ गए। लेकिन कभी कभी क्या जी। जब आप रिलेशनशिप यूज करते हैं ना, ये चीज बताने का पर्पस यही है, जब रिलेशनशिप यूज करते हैं तो उसमें आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, जिसके मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था ना सर, जी मैंने तो यहां पे जी अगर इनर ज्वाइन किया तो जो रिकॉर्ड दोनों में मैच करे वही शो करेगा ना, जी जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेंगे वो शो नहीं करेगा। तो यहां पे इस चीज का, जी हाँ अब मान लीजिए कि मैंने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ रख दिया और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वाइज आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि डेटा में सीडी कितना पे तेरे। यहाँ पे हम कह सकते हैं काउंट ऑफ सीडी, काउंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे सम की जगह काउंट हमारा क्या लग गया, काउंट लग गया, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रांड टोटल क्या, समझ गए। तो ग्रांड टोटल कैसे आएगा, क्या जी तो ग्रांड टोटल के लिए आपको ऊपर मेनू बार में जाना पड़ेगा, यहां से आई थिंक फॉर्मेट मेरे कहां गया,
हाँ फॉर्मेट में होता है ग्रांड टोटल। नहीं फॉर्मेट में नहीं होता है इधर। हाँ यार सॉरी माफ कीजिए, एरेटिक्स में होता है टोटल्स, टोटल्स में यहाँ दिख रहा होगा सो ग्रांड टोटल, सो कॉलम टोटल, दिख रहा है ना कॉलम ग्रांड टोटल, लेफ्ट राइट जैसे कि डेटा है उस हिसाब से यहाँ पे आता है, कॉलम कॉलम वाइज डेटा होगा तो उस केस में यहाँ पे दिखता है, तो सो हमने यहाँ पे कॉलम ग्रांड टोटल कर दूंगा तो यहाँ पे 301 आ जाएगा। इस पर आप अगर कोई विजुलाइजेशन देना चाहते हैं तो आप विजुलाइजेशन भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता। ये तो आपकी प्रोडक्ट हो गई। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट को हटाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेजर्स नेम है। अगर मैंने मेजर्स नेम को यहाँ पे रख दिया, मैं सम ऑफ ग्राफ देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर क्या हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे मेजर्स नेम ठीक उठा के यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे देख मेजर्स नेम रख दिया और यहां से मैंने मेजर्स की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये आ गया अमाउंट का टोटल, सीआईडी का एक टोटल है, इसका ग्राउंड टोटल का टोटल आ गया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ आ गए, जितने भी आपके हेडिंग्स थे उस हेडिंग्स में आपके टोटल यहाँ पे दिख गया। लेकिन हेडिंग्स में जो जिस पे नंबर्स था वो सिर्फ आया है, समझ गए। ठीक तो इस तरह से आपकी जो हेडिंग्स है उनके टोटल्स यहाँ से आप रख सकते हैं। और यहाँ पे फिल्ट्रेशंस है कि अगर आपको नहीं एडिट फिल्टर पे क्लिक कर ले और मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, जैसे मुझे इसमें से ग्रांड टोटल का टोटल नहीं चाहिए, मुझे इसमें पीआईडी का टोटल नहीं चाहिए, एसआईडी का टोटल नहीं चाहिए, सीआईडी का टोटल नहीं चाहिए, मुझे ग्रांड टोटल चाहिए, ठीक है, और इसके बाद आप अप्लाई कर दें एंड ओके कर, ठीक है। दीपक जी ठीक मैं आप ही का मेल लिख रहा हूँ सर, आपको 5 मिनट मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया, ठीक ये समझ में आ गया ना आपकी हेडिंग के साथ कैसे अपना कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जी हाँ है, सारे फिल्म्स का एक एक करके टोटल कैसे कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। जी ओके तो सर मुझे 2 मिनट, मुझे अब हमने अभी आपके सामने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया मेजर्स का, अब बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो सर जी पिवट टेबल में आपने ग्रुपिंग किया है, पिवट टेबल में हाँ ग्रुपिंग किया हुआ उसमें मतलब बकेट टाइप बनाना हाँ तो उसी तरह की बकेट टाइप बन आप भी जाता कर सकते ना हैं, ठीक है ना, जैसे कि उठा के रो में किसने रखा और मान लीजिए कि मैंने क्वांटिटी को उठा के कॉलम में रख देता हूँ और ये हमारे डेटा बन गया, राइट। जी अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कविता और योगेश को इकट्ठा दिखाना है, यहाँ पे टीटू और योगेश को, तो कंट्रोल के अच्छा साथ वो एंड मैं, करके दिखा हाँ कंट्रोल के साथ देगा इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके अगर आपने गलती से शिफ्ट दबा दिया, अगर मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, तीनों सेलेक्ट हो जाएगा, तीनों सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस, ठीक तीनों सेलेक्ट ना करना हो तो क्या करें, कंट्रोल प्रेस करें, कर कंट्रोल लिया, फिर राइट क्लिक ठीक कीजिए और यहाँ पे जी ग्रुप कर दीजिए, तो यहाँ पे ग्रुप क्या आ गया, ठीक है
योगेश, टीनू टीटू रेगेश आ गया। ऐसे मान लीजिए मैं इंदर और मोहन एंड करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ पे एड क्लिक करूंगा एंड ग्रुप कर दूंगा। है सर, मान लीजिए ठीक दो ग्रुप को ही ग्रुप करना है, जो मुझे इंदर और मोहन टीटू रेगेश को करना है, तो इसको सिलेक्ट करके आप इसको क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं। समझे? ठीक है इस तरह से जी इसकी समझ ग्रुपिंग कर सकते हैं। और ग्रुपिंग करने से एक और फायदा है कि यहां पे देखिए आपके सामने गया एक आपका नेम आ रहा है, दूसरा आपका रहा है नेम ग्रुप, नेम ग्रुप। जी यहां पे जैसे कि यहां दिख रहा है आपको नेम ग्रुप, अगर मैं नेम ग्रुप हटा दिया और मैंने ये मान लीजिए सिर्फ नेम रखता हूं, तो मुझे यहां नेम बाय जाएगा। अगर मुझे यहां पे ग्रुप रखता हूं, तो यहां पे आपका वो नेम आएगा जो नेम एंड ग्रुप ग्रुप है। ग्रुप किया ठीक है सर क्लियर है? क्लियर कोई डाउट इसमें? नहीं सर तो यहां पे आप दोनों को ग्रुप कर सकते हो। तो ग्रुप एक तो से कि हमने आपको बता दिया, हमने सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। अगर हम ग्रुप और दूसरा तरीका है ग्रुप करने का, जैसे मान लीजिए कि मुझे नेम पे ग्रुप करना है, या फिर मुझे मान लीजिए प्रोडक्ट पे ग्रुप करना है, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं हम, जी तो क्लिक करते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। इस पे हमने क्रिएट होता है, तो क्रिएट में हमने कैलकुलेटर पढ़ा ही था, हमने सेट पढ़ा ही है, पैरामीटर भी पढ़ा था। इसमें आपके सामने क्या रह जाता है? रह जाता पैरामीटर है ग्रुप। तो ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आप अपना ग्रुप का नेम, आप क्योंकि जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि उसी नाम का ग्रुप बना देता है, उसके आगे ग्रुप ब्रैकेट में लिख देता है, जी ठीक है ना? जी तो इसमें आप जो है ठीक ये फीचर्स इग्नोर कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं, ठीक ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ठीक है। यहाँ जी पे मैं अपना तीन प्रोडक्ट को, मैं जिसमें तीन प्रोडक्ट को लेके ग्रुप में कर दिया, और यहाँ पे इंक्लूडिंग अदर कर दिया हमने, तो वहां अदर लिखा हुआ है भाई, ओके इंक्लूड अदर हटा देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप आ गया। और इसको सेलेक्ट करके अब इसे इंक्लूडिंग ठीक अदर कर दूंगा, तो यहाँ अदर आ जाएगा, तो अदर में बाकी तीन आ जाएगी। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ एंड ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास नया ग्रुप आएगा ओटीपी, अब मैं ओटीपी को यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सेल्स रखता हूँ क्वांटिटी, ठीक है? रिपोर्ट आ, यहाँ देख रहे हैं जी रिपोर्ट आ रहा है। इसमें एक नेम ग्रुप जी भी बन गया है अदर। तो नेम ग्रुप क्या है पता है सर आपको? अदर वाली ओके है, मतलब कि मैंने आपकी इसमें ओटीपी में रैम क्या लिया, सीडी एसडी रैम लिया, तो उसके बाद जो बच गया वो अदर में चला गया, ओके ठीक है? ठीक है अगर मैं सिर्फ अदर रखता हूं यहाँ पे, आप देखिए नेम, माफ कीजिए, नेम ग्रुप तो पहले से बना हुआ था, इसमें अदर हो गया था तो आपका, ठीक है? तो आप ठीक ग्रुप जो है किसी फील्ड पे राइट क्लिक करके ग्रुप यहां से भी कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर सर अब यहाँ पे मैं एक विजुलाइजेशन तैयार करता हूँ। मैंने नेम लिया, नेम इसको यहाँ पे रखता हूँ, क्वांटिटी को इसके अंदर रखता हूँ, और मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को भी इसके बाहर रख देता हूँ, प्रोडक्ट को कॉलम वाइज रखता हूँ, डेटा आ गया ना सर? और यहाँ पे हमारे जो सेल्स मोड है उसको भी इसके साइड में हमने दे दिया, नेम के साइड में जाते हैं, नेम के साइड में रखते हैं, डेटा तो सामने दिख रहा है क्या? तो अब जैसे कि इस जी पे क्लिक करते ही
हर ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑल डायमेंशन ग्रुप करना या नेम को करना या प्रोडक्ट को करना या सेल्स को करना, ठीक है सर आपको। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे सेल्स मोड पे और सेल्स मोड पे जहां हमने सिलेक्ट किया तो वो हमारा ग्रुप हो गया जो हमने सिलेक्ट कर रखा था रैम। जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पे तीन चीज हमने सिलेक्ट कर ली हुई है, राइट सर, राइट क्लिक किया और यहाँ पे सेल्स मोड जो ती अभी यहाँ पे मैं अगर सेल्स मोड जो आपका रखा हुआ है अगर सेल्स मोड को हटा के मैं सेल्स मोड ग्रुप कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए तीन आ गया, बाकी आपका अदर में चला गया, ठीक है। हेलो, ठीक है, तो ये आपका सुन रहा हूँ ग्रुप था सर, इस पे सर प्रैक्टिस, ठीक है ग्रुप, कल की क्लास में हम आपको इससे जी हाँ सर प्रैक्टिस आने पड़ेगी क्या सर, ठीक है सर, समझ में आ गया ना आपको ग्रुप सर, जी हाँ ओके, तो ग्रुप समझ गए और आपका मेजर्स एंड डायमेंशन की जो चाहिए थी वो आप समझ गए, राइट सर जी। अब कल इससे आगे की चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है सर, ओके।